याद को, चाहे बड़े होवे फिर भी दूसरा नाम होवे, लेकिन जब तक वो छोटा रहे ना तब तक उसे कानाई कहते हैं। और अगर आपके यहाँ कन्या का जन्म हुआ है तो जब तक वो कन्या छोटी रहती है तब नाम चाहे जो भी रखो लेकिन उसे राधाई कहते हैं। आपने भी कहा था, हमने भी कहा था, सभी कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन श्रणु सकी को तुक में काम नव्य निकेत गणामया दृष्टा। मैया जब कन्हैया को लाला को नचा रही थी अपने चौक में, उस दृश्य को एक गोपी ने देखा, और गोपी जिसका नाम है श्रुति रूपा, वो गोपी गोपी भी दौड़ी दौड़ी गई और जहां गोपियां बैठी हुई थी ना उनके समक्ष जाकर कहने लगी, अरे गोपियों शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूं जाई निरंतर ध्यावे ताई अखंड अनंत अनंत अनादि अच्छेद अवेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पचारी कोर पुरी पार न पावे। वो गोपी जाकर कह रही है, अरे गोपियों जिसके इशारे पर त्रिलोक नाचता है, तीनों लोक नाचते हैं, आज मैया के इशारे पर आज त्रिलोक की नाच नाच रहा है उनके चौक में, कन्हैया नाच रहा है। सब गोपियों ने कहा हमें भी दर्शन करना चाहिए कन्हैया का, लेकिन दर्शन करने देवे कौन, क्यों, क्योंकि घर में ब्रज में है ना, जब नई नई बहुएं आवे ना तो उसे पर्दे में रहना पड़ता है। अब सासू जी जावे मंदिर जाना हो तो सासू जी जावे, कथा भागवत सुननी जाना हो तो सासू जी जावे, जहां भी जाना हो वहां जावे, लेकिन घर में नई बहुएं वहीं रहे घर में। सभी ने विचार किया कि ऐसा कोई उपाय करें जिससे हमें भी कन्हैया का दर्शन हो जावे। तो सबकी सासू जी भोलेनाथ के जल चढ़ाने के लिए गई तो पीछे से कोई गोपी ने अपने घर में मटकी थी वो फोड़ दी। किसी ने कुछ ना कुछ कर दिया यानी तोड़ फोड़ कर दी घर में। जब सासू जी आवी तो सासू जी ने कहा, अरे बहू ये मटकी किसने फोड़ी। तो गोपी ने कहा, बहू ने कहा, सासू जी आप तो भोले बाबा के जल चढ़ाने के लिए चले गए, पीछे से वो नंद को छोरो है ना वो आयो और घर में मटकी थी वो फोड़ कर चला गया। तब दूसरी बहू अपनी सासू को कह रही है, आप जल चढ़ाने गई तब से पीछे से नंद को छोरो आयो और घर में जितनी भी नई मटकियां थी ना सबको फोड़ कर चला गया, सबको फोड़ कर चला गया। अब सासू जी ने कहा, सुनो बहुओं अगर हम जाऊंगे उलाना देने यशोदा को तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हम उम्र की है ना, ऐसा करो तुम जाओ उलाना देने। बहुओं ने कहा बहुत बढ़िया उपाय रहा। आज सब गोपियां एकत्रित हुई और नंद महल की तरफ आ रही है सुबह सुबह। आज मैया यशोदा उठी दही बिलो रही थी, उसी समय खिड़की से देखा कि आज तो ना तो सत्यनारायण भगवान की कथा है, ना कोई प्रोग्राम है, ना कोई कार्यक्रम है, ये इतनी सारी गोपियां अपने घर की तरफ क्यों आ रही है। जैसे ही गोपियां आई मैया से कहा, मैया प्रणाम करती हैं। मैया ने कहा ठीक है खुश रहो, लेकिन आज सुबह सुबह हमारे इधर आना कैसे हुआ। एक गोपी ने कहा, आना ऐसे हुआ कि आपका जो लाला है ना वो कल हमारे घर पर आए,
कल हमारे घर पर आए और हमारी जितनी भी दादी सासू की टेम की जो मटकियां थी ना उस सब को फोड़ कर चले गया। अच्छा इतनो उद्यमी हो गयो मेरो लाला। हाँ अरे मैया ये तुम्हारे घर में ही ये शांत बैठा रहे तुम्हारा लाला, बाहर निकलते ही तो चौकड़ी भरे। इतने में कन्हैया आए, कन्हैया ने देखा सब गोपियां एक साथ आई हुई है तो आज कोई ना कोई तो शिकायत जरूर करेगी। कन्हैया डर के मारे मैया यशोदा का लहंगा पकड़कर मैया यशोदा के पास में खड़े हो गए। तब दूसरी गोपी क्या कह रही है, अरे मैया देख ये तेरो लाला कितनो शांत स्वभाव से खड़ो है यहाँ, लेकिन ये जब बाहर आवे और हमारे घर पर आवे ना तो माखन की मटकी फोड़ के चला जावे, कहीं पानी की मटकी तो फोड़े सो फोड़े लेकिन मटकी में माखन रखकर मटकी फोड़ कर चला जावे। तो मैया यशोदा ने कहा मटकी फोड़ कर चला जावे तो ऐसा करो तुम मटकी को ऊपर छीके पर लटका दिया करो, इनको हाथ पहुंचेगा ही ना तुम्हारी मटकी फूटेगी ना। गोपियों ने कहा अरे ऊपर छीके पे लटकाई थी मटकी को माखन की मटकी को लेकिन ये अकेला थोड़े ही आवे तो और कौन आवे इनके संग में, तो और कौन आवे। तो गोपियां कहती है इनकी पूरी एक मंडली है, उस मंडली का नाम है बाल गोपाल चोरी विद्या प्रचार मंडल। पूरी मंडली का नाम है बाल गोपाल चोरी विद्या प्रचार मंडल। हाँ पूरी चोरों की एक मंडली है ये। हाँ ये पांचा सखा आवे और ये तो आवे जो आवे ही लेकिन इनके साथ में बंदर भी आवे। मैया यशोदा ने कहा हे भगवान मेरो लाला इतनो उद्यमी हो गयो। तब तीसरी गोपी ने कहा मैया उद्यमी तो क्या हुआ कि जब हम है ना मटकी छीके पे क्या पीपल पर लटका दी माखन की मटकी, तो आपका ये लाला कहीं से 10 हाथ का बांस ले आया और बांस दे 12 मटकी के नीचे और अब ऊपर से माखन आवे दही आवे और आराम से पावे ये। तो मैया ने कहा तो आप जब भी आपके घर पे आवे ना तो आप आराम से थोड़ा सा माखन दे दिया करो, ये लूट लपाट करेगा ही नहीं, ये लूट लपाट करेगा ही नहीं। लेकिन मैया यशोदा ने जब कहा कि आप आराम से माखन दे दिया करो तो गोपियों ने कहा आराम से हम देती हैं लेकिन ये आपका लाला है ना ये कहता है कि आराम से माखन दोगी तो हम खावेंगे नहीं, हमें तो चोरी को माखन ही अच्छो लगे, हमें तो चोरी को माखन ही अच्छो लगे। और है ना जब हम इन्हें पकड़ने के लिए दौड़े ना तो ये हाथ में ही नहीं आवे, ये हाथ में ही नहीं आवे। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं राजन सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन आज गोकुल की गलियों में कन्हैया उनके बाल सखा सब दौड़ रहे हैं। गोकुल की नगरी में मच गया सो गोकुल की नगरी में मच गया शोर मेरो माखन खा गयो माखन चोर नट खट नट खट नट की शोर ओ मेरो माखन खा गयो माखन चोर
क्यों मेरो पाकट छोर। प्रसाद आ रहा है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब गोपिया कह रही थी तो मैया यशोदा ने कहा, अरे लाला तू इतनो उद्यमी हो गयो है। तब दूसरी गोपी कहती है, अरे उद्यमी की बात तो अब मैं तो बताऊं, अरे परसों रात में आपके लाला हमारे घर पर आयो, परसों हमारे रात पर घर पर आयो, दिन में आया था प्रसाद के लिए, मना कर दिया ना हमने। तो उन्होंने कहा कि रात में होगी तो देखी जावेगी। रात में आया आपका लाला और मैं और मेरे पतिदेव सो रहे थे ना, तो आपके आपका ये लाला आया, मेरी चोटी और मेरे पतिदेव की दाढ़ी दोनों को बांध के चला गया, हमको पता ही ना है। जब रात में मेरे पतिदेव बाथरूम करने के लिए उठे तो मैंने कहा, क्या कर रहे हो जी, क्यों मुंह को खींच रहे हो मेरी चुटिया को। उन्होंने कहा, अरे तू मेरी दाढ़ी को क्यों खींच रही है। अब दोनों जैसे तैसे उठे और जब दीपक जलाकर देखा ना, तो आधी तो दाढ़ी उनकी पड़ गई।
इतनो शैतान है शैतानी करे तुम्हारो लाला। तब भगवान कृष्ण अब क्या कह रहे हैं मैया को, मैया इनको पतियारो करे में तस्कर ये चोर नाम मेरो धर्यो मेरो होन न देगी ब्या। मैया इनको पतियारो करे मैं तस्कर और ये सां चोर नाम मेरो धर्यो मेरो होने न देगी ये ब्या। कन्हैया को अब छोटी है लेकिन विवाह का सोच पहले लग रहा है। तब कन्हैया ने जब ऐसी बात कही तब मैया यशोदा ने कहा अरे लाला तू वास्तव में बड़ो शैतानी हो गयो है। तू किन्नी के घर में माखन की मटकी फोड़ आया, किन्नी के घर में दही की मटकी फोड़ आया और आज मेरे ही सामने कह रहे हो है कि मेरो ये गोपियां सब मिलकर ब्याह नहीं होने देगी। मैया यशोदा ने कहा लाला आज तुम्हें है ना सजा मिलेगी, तुम्हें दंड जरूर मिलेगा, तुम्हें दंड जरूर मिलेगा। तब कन्हैया कान पकड़ कर कहते हैं मैया आज के बाद में मैं इनके घर कभी माखन खाने जाऊंगा ही ना। हाँ ये बुलावेगी तब जाऊंगा अन्यथा मैं जाऊंगा ही ना। मैया यशोदा ने कहा ठीक है आज छोड़ रहा हूँ, आज छोड़ रही हूँ लेकिन सुन अगर आज के बाद में तू चोरी करेगो ना तो फिर देखना तेरी पिटाई होगी। कन्हैया ने कहा हाँ मैया ठीक है। आज कन्हैया को रात में दूध पिलाया सुलाया और जब बालक को सुलाते हैं ना उनसे पहले सोने से पहले उनकी माँ उनके हाथ में आंखों में काजल लगाती है। आज मैया यशोदा कन्हैया की आंखों में काजल लगाया रात में सुला दिया और सुबह 4 बजे उठकर दही पिलो रही है। मैया दही पिलोते समय मैया मन में यह ध्यान कर रही है आज मेरो लाला उठेगो और उठते ही माखन मांगेगो ना तो इसी मटके से माखन मैं उसे खिलाऊंगी, इसलिए जल्दी जल्दी ताजा माखन निकाल रही है, इसलिए जल्दी जल्दी ताजा माखन निकाल रही है। इतने में हमारे कन्हैया जी उठ गए और घुटमन घुटमन चलते चलते कहाँ आए जहाँ मैया यशोदा दही पिलो रही थी ना वहाँ आए और मैया का लहंगा पकड़कर खड़े हो गए। मैया ने कहा अरे लाला अरे तू उठ गयो रे। तब कन्हैया आंखों पर अपना हाथ घुमावे तो वो काजल है ना चारों तरफ फैल जावे। आज कन्हैया की आंखें जगन्नाथ भगवान की तरह हो गई जी। मैया ने कहा कि लाला ऐसा है ना तू थोड़ी देर रुक जा मैं तुझे ये ताजा माखन निकलेगो ना इस मटकी से वो खिलाऊंगी। तब उन्होंने कहा नहीं। कन्हैया ने कहा मैया मोको भूख लग रही है और मैं अभी माखन खाऊंगा और इसी मटकी से खाऊंगा। मैया ने कही रे लाला रात को माखन पड़ियो है वह मटकी में वहां में से खा ले या मैं तो आल माखन निकलियो ही ना आई ना मैं तो इसी मटकी से खाऊंगा और अभी खाऊंगा। कन्हैया मचल गए। तब मैया यशोदा ने सोचा कि ये बालक मानेगा नहीं क्योंकि बाल हट भी ऐसी होती है। तब कन्हैया को गोदी में उठाया और मैया यशोदा ने कहा अरे सुन लाला देख वो क्या है। कन्हैया ने कहा क्या है। कन्हैया ने कहा क्या है। तब मैया यशोदा ने कहा वो देख वो चंदा मामा है। अब कन्हैया माखन को तो भूल गए और अब कहने लगे मैया मोको चंदो चाहिए मोको चंदो चाहिए। क्योंकि बार बार आवे मन भटके
तब कन्हैया सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि मैया यशोदा कह रही है, अरे लाला वहाँ मटकी में से माखन पड़ियो है, वहां में से कल ना मैं तो इसी मटकी से खाऊंगो और अभी खाऊंगो। कन्हैया मचल गए। मैया यशोदा कह रही है वो देख वो क्या है। कन्हैया ने कहा क्या है। तब मैया यशोदा कह रही है वो देख वो चंदा मामा है। अब माखन को भूल गए लाला और अब कहने लगे चंदा लूंगो चंदा लूंगो। तब मैया यशोदा ने इतनी बड़ी परात में पानी भर दिया, अब चंदा मामा सीधे परात में आ गया। कन्हैया से कहा मैया ने, मैया ने लाला ये देख ये चंदा मामा नीचे परात में आ गए देख। अब जैसे ही थप से पानी में हाथ मारा पानी हिल गया, चंदा मामा गायब हो गए। कन्हैया ने कहा ना मो तो वो ही चंदो लू। अब कन्हैया मचल गए चंद्र किलो नो ले ओरी मैया चंद्र किलो नो ले ओ। मैया यशोदा ने कहा ठीक है अब तू चंद्र किलो नो करतो रह तब तक मैं माखन निकाल लूं। सुबह से बड़ो परेशान कर रही हो, कभी माखन मांगे कभी चंदो मांगे, बैठ जा चुपचाप। मैया यशोदा दही मिलोने लग गई। तब मैया यशोदा से कन्हैया कहते हैं कि मैया सुन तू अगर चंद्र खिलौनो नहाई देगी ना तो मैं जमीन पर लेट जाऊंगो मिट्टी में लेट जाऊंगो। मैया यशोदा ने कहा रे लाला तू वैसे भी सुंदर नहाई है तू वैसे भी कालो है, है? तुझे थोड़ा स्नान करा के नहला के धुला के तुझे है ना सिर पर वेणी गूंथ के चुटिया बना के तुझे थोड़ा अच्छा लगे वैसा मैं बनाऊं और तू कह रही हो है कि मैं जमीन पर लेट जाऊंगो लेट जा। कन्हैया ने सोचा ये दम की काम नहीं कर रही है। तो कन्हैया ने क्या कहा कि मैया अगर तुम चंद्र किलोनो है ना नाला के देवोगी तो मैं सुरभि का पै पै के दूध को सुरभि गाय का दूध नहीं पीऊंगा। मैया ने कहा अरे लाला तू वैसे ही दुबलो पतलो है अरे तू सुरभि गाय का दूध नहीं पीवेगा ना तो ये पेट तेरा पीठ से चिपक जावेगा। मैया ने कन्हैया ने कहा ये दम की भी काम नहीं कर रही है। तब कन्हैया कहते हैं कि मैया सुन। मैया यशोदा ने कहा सुना दे जो तुझे सुनाना है सुना दे। तब कन्हैया ने कहा मैया मैं ब्रज की गोकुल की पंचायत में जाके कह दूंगो कि मैं मैया यशोदा को बेटो नहीं मैं तो नंद बाबा को बेटो हूँ। मैं तो यशोदा को बेटो नहीं मैं तो नंद बाबा को बेटो हूँ। ऐसी बात ऐसी सोत्री वाणी से सुनी बात तो मैया यशोदा जो दही भी लो रही थी ना उसे छोड़ा और तुरंत आकर कन्हैया को गोदी में उठा लिया और कहने लगी अरे लाला ऐसी तोतरी वाणी तू मत बोला कर रे कहीं तुझे मेरी नजर ना लग जाए कहीं तुझे मेरी नजर ना लग जाए ऐसी तोतरी वाणी मत बोला कर रे लाला। तब मैया यशोदा गोदी में उठाया बालक को लाला को और कहने लगी लाला सुन माखन से भी कोमल माखन से भी कोमल चंदा से भी सुंदर तेरे ताई एक बहू ले आऊंगी तेरे ताई एक बहू ले आऊंगी। अब कन्हैया माखन को भूल गए चंदा को भूल गए और अब कहने लगे मैया से मैया मोको बहू चाहिए मोको बहू चाहिए कैसी। राधिका गौरी से
नीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, कुंवर थारी छोटी है नजर तेरी खोटी है,
पूछते हैं राजा परीक्षित से, राजन जब मैया यशोदा और कन्हैया ऐसी बातें कर ही रहे थे कि उसी समय एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, मैया तुम सुबह से ही लाला से बातें करती रहोगी कि वो चूल्हे पे जो दूध रखा है वो उपन गया। मैया यशोदा तुरंत लाला को गोदी से नीचे उतारा और दौड़ पड़ी दूध को चूल्हे से उतारने के लिए। कन्हैया ने कहा, मैया को दूध प्यारो है, पूत प्यारो नाई। मैया को दूध प्यारो है, पूत प्यारो नाई। तुरंत इधर उधर देखा और एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा लिया, पत्थर लिया और जिस मटकी में दही भिलो रही थी ना मैया यशोदा, उसी मटकी के दे मारा। कन्हैया ने सोचा थोड़ी सी आवाज होगी, मैया वापिस दौड़ कर आवेगी, लेकिन आवाज नहीं हुई, वो तो मटकी फूट गई और वो जो दही भरा हुआ था उसमें वो सारा दही चौक में फैल गया। अब कन्हैया ने सोचा कि अब तो मैया मुझे डांटेगी पीटेगी। तुरंत एक चौक से दूसरे चौक में चले गए कन्हैया। इधर मैया यशोदा आई तो क्या देखती है कि दादी सासू के टेम की जो मटकी थी ना दही बिलोने वाली, वो फूट गई। कन्हैया ने फोड़ दी। एक बार तो मैया यशोदा मन ही मन हंसी कि देखो लाला को थोड़ा सा मैं उतार के क्या गई गोदी से, मटकी को फोड़ दिया। लेकिन मैया यशोदा ने कहा कि अगर मैं ऐसे ही इसे छोड़ती रहूंगी ना तो ये बड़ा उद्यमी हो जाएगा। इधर कन्हैया ने मैया को आते देखा तो कन्हैया क्या करने लगे, रोने लगे। अब कोई पीटे ही ना आए रोवे तो आंसू थोड़े ही आवे, आवे नहीं आवे। तो क्या किया कन्हैया ने, हाँ आंखों से निकाले और लगा रहे हैं। लेकिन कन्हैया सोचा कि ये भी काम नहीं करेगा। अब जैसे ही मैया पास में आवे उससे पहले कन्हैया दौड़ गए। अब आगे आगे कन्हैया दौड़े, पीछे पीछे मैया यशोदा दौड़े। कन्हैया ने सोचा कि मैया थक गई है, हार गई है। तब मैया यशोदा ने कहा, अरे लाला तू रुक तो जा रहे, दौड़ क्यों रहा, रुक तो जा, कहीं लग जावेगी गिर जावेगा। कन्हैया रुके। मैया यशोदा ने कहा, थोड़ा सा मेरे पास में तो आओ, मेरे नजदीक तो आओ। लाला ने कहा, ना मैया तेरे पास ना आऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं तेरे पास आऊंगा ना तो तू मुझे पीटेगी मारेगी। मैया यशोदा ने कहा, ना कन्हैया लाला तुझे पीटूंगी ना, तेरी थोड़ी सी पूजा करूंगी और फिर थोड़ी सी आरती उतारूंगी, बस तू मेरे पास में हाथ तो आ जा, हाथ तो आ जा। अब जैसे ही कन्हैया धीरे धीरे पास में आए तुरंत मैया यशोदा दौड़ कर पकड़ लिया कन्हैया को और लाकर एक अंकल से बांध रही है। ये अंकल कौन है, स्वयं कश्यप बनकर आए हैं। ये रस्सी कौन है, स्वयं माँ अदिति बनकर आई है। अब लेकिन जैसे ही बांधने लगे दो अंगुल रस्सी कम पड़ जावे, दो अंगुल कम पड़ जावे, मैया यशोदा थक गई लेकिन बंधे ही ना कन्हैया। फिर कन्हैया ने सोचा कि अब बंधी जाऊं, मैया परेशान ज्यादा हो रही है रस्सी लाला की। अब जैसे ही कन्हैया बंधे मैया यशोदा ने कहा, अब बंदो रहे दिन भर तू यहाँ, अब तू यहाँ दिन भर ही बंदो रहे। मैया यशोदा चली गई महल के अंदर। इधर कन्हैया उकल से बंधे हुए हैं, गुटमन गुटमन चलते चलते दो वृक्ष थे, उन वृक्षों के बीच में से निकले ना तो दोनों वृक्ष धड़ाम से नीचे जा गिरे और दोनों वृक्ष जैसे ही गिरे से इनमें से दो सुंदर पुरुष निकले, एक यमलार्जुन का वृक्ष था, एक अशोका का वृक्ष था। राजा परीक्षित ने कहा, दोनों वृक्षों में से पुरुष निकले कैसे? सुखदेव जी ने कहा, एक सरोवर में कुबेर के दो पुत्र स्नान कर रहे थे निर्वस्त्र नग्न होके। नारद जी निकले
तो वस्त्र पहने ही ना आए तो नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों ही जड़ की तरह वृक्षों की तरह खड़े है ना मुझे देखकर, दोनों ही वृक्ष हो जाओ। फिर दोनों ने क्षमा याचना मांगी तो नारद जी ने कहा कि द्वापर युग में कृष्ण भगवान श्री त्रिलोकी नाथ के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। आज वही दोनों पुरुष वृक्षों से निकले और सामने खड़े हैं। भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और अपने लोक में चले गए। इधर ये वृक्षों की गिरने की आवाज हुई ना, मैया यशोदा गोपियां ब्रजवासी नंद बाबा सब दौड़े दौड़े आए तो क्या देखते हैं कि दो वृक्ष पड़े हुए हैं, बीच में कन्हैया है। कन्हैया को उठाया, रस्सी खोली और नंद बाबा मैया यशोदा से कहते हैं, अरे तू बूढ़ी हो गई, तुमको पतो ही ना चले, इतनो सो छोटो सो लाला है, तू छोटे से लाला को ही बांध दिया। मैया ने कहा, मुझे क्या पता कि ये उंकल को लेकर ही या चौक से बाहर निकल जाएगा। नंद बाबा ने सभी ब्रज के जो व्यक्ति थे उन सबको भाइयों को एकत्रित किया और कहा, भैया इस गोकुल में जा दिन से मेरे लाला को जन्म भयो है ना, वह दिन से कोई ना कोई अनहोनी हो ही जावे, कभी पूतना आ जावे, कभी सक्तासुर आ जावे है? आज ये दोनों वृक्ष गिर गए, इसलिए भैया आज से हम इस गोकुल की नगरी को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले, कोई जगह हो तो बताओ। तब नंद बाबा के भाई जिनका नाम था घनानंद, उन्होंने कहा, गोकुल की नगरी की तरह एक सुंदर जगह है, उस जगह को वृंदावन कहते हैं, उस वन के किनारे यमुना बह रही है, मंद मंद ऐसी जगह पर चलकर हम रहेंगे, एकांत जगह, बहुत सुंदर जगह है। सब ब्रजवासी गोकुल को छोड़कर यमुना के किनारे वृंदावन में आकर रहने लगे। मकान नहीं थे, बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी के नीचे ही रहते थे, मकान बने तब तक। आज कन्हैया थोड़े बड़े हो गए तो कन्हैया ने कहा, मैया आज मैं गैया चराने जाऊंगा, बलराम भैया और हम दोनों गैया चराने जाएंगे। मैया ने कहा, ना भैया अभी तुम छोटे हो लाला, गैया बहुत दूर चरने जावे, तुम थक जाओगे उनके पीछे जाते जाते। तब कन्हैया ने कहा, मैया मैं छोटो है ना, बलराम भाई भी छोटो, मैं भी छोटो, तो गैया भी हम छोटी छोटी चराने जावेंगे। तब मैया यशोदा ने कहा, दारी के अरे बछड़े की कह रहे हो जी, खेरे लाला तू। अब कन्हैया सभी बछड़ों को लिए और गांव के पास में चरने के लिए निकल गए। क्या कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज, ताली सेवा करते हुए, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो छो छोटो छो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे छोटे
अरे छोटी छोटी अरे छोटी छोटी अरे फोरी फोरी छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल सुनते सुनते और अपने गांव के नहीं बाहर से भी पधार रहे हो। जो भी बाहर से भक्त लोग पधारे हैं भागवत जी की कथा सुनने के लिए या वो या व्यासपीठ पर पधारे, अब नाम तो मैं जानू ना ही इतनों के, जो भी है बाहर से जो पधारे हैं तुरंत आ जावे या और इनके साथ साथ में 5 मिनट वो इनके साथ साथ में जो हमारे जालिया के रहने वाले हैं और वो बाहर पधार गए जैसे विजय नगन बिलवाड़ा और वहीं का राशन कार्ड बन गया हो तो वो भी पधार जा रहे हैं। ₹201 भागवत जी पर गुप्त सज्जन की तरफ से प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। अब नाम बता दूं मैं क्योंकि ऐसे तो आप उठोगे ही ना, यहाँ जहां आप यहाँ पधारोगे ना मैं नाम लेता रहूंगा। खूंटिया से जो भी पधारे सब पधार जाओ, बाड़ी से जो पधारे सब आ जाओ, विजयनगर से पधारे वो भी आ जाओ, भिलवाड़ा से पधारे वो भी आ जाओ, अरे गागेड़ा सु पधारिया वे भी आई जाओ, हाँ समूह गडुन जो भी पधारे हैं सब आ जाए उनका। बैठ कर वो अजगर सर, अब उसने सोचा कि सका सब अंदर आवेंगे और कन्हैया अंदर आवेगा तुरंत मुंह बंद कर लूंगा, कन्हैया मर जाएगा मैं यहां से भाग जाऊंगा। तब कन्हैया
पीछे चल रहे हैं, सब सका आगे चल रहे हैं। एक सका दूसरे सके से कहते हैं, अरे भैया ये कोई बड़ी गुफा दिखे रे भैया। तो दूसरा सका कह रहा है, हाँ ये एक बहुत बड़ी गुफा है, इस गुफा में बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। तो दूसरा सका, तीसरा सका जवाब दे रहा है, चलो तो फिर हम दर्शन करने चले। अंदर देखे तो सही, अंदर देखे तो सही। अब जैसे ही एक सका अंदर गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चार पांच सब सका अंदर चले गए। कन्हैया पीछे से आवाज लगा रहे हैं सब सकाओं को, अरे भैया अरे तुम्हें नहीं जाना अंदर। लेकिन सुने कौन, सब सका अंदर जा रहे हैं। तब जैसे ही अंदर गए, जीभ पे पैर रखा, सभी सका कह रहे हैं, अरे भैया ये देखिए गदगदा क्या बिछा हुआ है गद्दा। इतने में दूसरा सका कहता है, अरे अंदर बहुत बड़े ऋषि मुनि हैं, इसलिए आने वाले के कहीं कंकर पत्थर ना लगे गुफा के अंदर, इसलिए ये गद्दा बिछा हुआ है लाल लाल गद्दा। ओ ठीक है, और ये सफेद सफेद खूंटिया कौन सी, अरे भैया दांत है ना वो। तब दूसरा सका कहता है कि जो भी दर्शन करने आवे ना अंदर, तो वो सा जो भी सामग्री लावे वो सब सामग्री इन खूंटियों पर लगा दो और फिर अंदर दर्शन करने आओ, जो भी बेग वो सब यहीं लटकवा दो। अब सब सका अंदर चले गए। व्रतासुर जो अजगर का रूप ले रखा है, उन्होंने सोचा कि जब तक कन्हैया अंदर नहीं आवेगा तब तक मुंह बंद करूं क्यों। एक सका बोलियो, अरे लाला कहीं राक्षस होवेगो तो अंदर तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, केवल अंधेरा ही है। तब दूसरा सका बोल रहा है, अगर राक्षस होगा तो पीछे हमारा कन्हैया है ना, वो आ रहे है, सब संभाल लोगे वो। कन्हैया ने सोचा कि अब ये हमारे सका बाहर आने वाले नहीं, अब मुझे ही अंदर जाना पड़ेगा। जैसे ही कन्हैया उस अजगर के मुख में गए, तुरंत उस राक्षस व्रतासुर ने मुख बंद कर लिया। जैसे ही मुख बंद हुआ तो भगवान श्री त्रिलोकीनाथ जितने छोटे बन सकते हैं ना, उतने बड़े भी बन सकते हैं। कन्हैया ने अपना शरीर फुलाना प्रारंभ किया, जैसे ही शरीर फुलाया तो उस अजगर का, उस व्रतासुर का मुख फट गया और उसका देहांत हो गया। बोलिए श्री बालकृष्ण की। अब सभी सका, अच्छा बोल, अब सभी सका बाहर, कन्हैया सभी सकाओं को बाहर लेकर आए, अपनी योग माया से सभी को जीवित कर गए। लेकिन आज सभी बाहर बैठे और कन्हैया से कह रहे हैं, लाला भूख बहुत लगी है, भोजन कर ले, में बछड़े चर रहे हैं यहाँ पास में। इतने में एक सका बोलियो, आज देख मेरे भोजन में खीर पूड़ी बनाई है मेरे घर पर। कन्हैया ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन आज मैं मधुमंगल के घर का ही भोजन करूंगा। मधुमंगल एक गरीब ब्राह्मण का बेटा है, जिसकी माँ का नाम है पूर्णमासी। मधुमंगल ने कहा, लाला मेरे घर पर कुछ है ही ना ही। तो कन्हैया ने कहा, जो भी बना है सो ले आओ, लेकिन आज का भोजन तो तेरे घर का ही करेंगे। मधुमंगल दौड़ा दौड़ा घर पे आया और अपनी माँ से कहा, मैया आज भोजन में क्या बनाया तुमने। पूर्णमासी ने कहा, लाला मधुमंगल आज भोजन में मैंने कुछ भी नहीं बनाया। क्यों क्यों नहीं बनाया। तो मधुमंगल से कहती है उसकी मैया, लाला जो कल शाम का भोजन बचा था ना, वही हमने खा लिया है। अब तो घर में कुछ नहीं है। हाँ है ना, क्या परसों की एक खट्टी दही पड़ा हुआ है, परसों जो बनाई थी ना कड्डी, वो खट्टी हो गई है, लेकिन वो पड़ी हुई है एक मटकी में। तुरंत मधुमंगल लिया और वो
मटकी लेकर कहाँ जा रहे हैं? जहाँ कन्हैया बेटे है ना, जंगल में इंतजार कर रहे हैं। मधुमंगल कुछ लेकर आवेगा तो हम भोजन करेंगे, अन्यथा आज भोजन करेंगे ही ना। जैसे ही मधुमंगल आया, हाथ में वो छोटी सी मटकी है कड्डी की, और मन में सोच रहा है बड़ी बदबू आ रही है इस कड्डी में, है बड़ी खट्टी हो गई होगी, ये मेरे कन्हैया को दूंगा मैं। कन्हैया माखन मिश्री कहता है, ये कड्डी थोड़ी पीवेगा या खावेगा, ऐसा करूं इस कड्डी की मटकी को यहीं छुपा दूं और कह दूंगा लाला आज मेरे घर पर कुछ नहीं बनाया। लेकिन कन्हैया बड़ा होशियार है, वो संभाल लेगा इधर उधर, ऐसा करूं मैं ही पी लूं, कड्डी रहेगी ना ही तो लाला पीवेगो कहां से, और पीवेगो ही ना ही तो उसका मन खट्टा होगा ही नहीं, उसका मुंह खट्टा होगा ही नहीं। तुरंत वो मटकी जो कड्डी की थी वो मधुमंगल अपने मुख से लगाया और पी रहा है जल्दी जल्दी, और देख भी रहा है मधुमंगल कहीं कन्हैया देख तो ना लेवे, कहीं कन्हैया देख तो ना लेवे। इतने में एक सका ने कहा, अरे लाला, अरे कन्हैया, अरे देख तो सही मधुमंगल क्या पी रहा है। सभी कन्हैया सभी सका दौड़े दौड़े आए ना, जब तक पास में आवे तब तक मधुमंगल वो कड्डी पी गई। लेकिन जल्दी जल्दी में पीने से वो कड्डी छाती पर लग गई आदि। कन्हैया ने कहा, मधुमंगल मैंने कहा था कि आज का भोजन तेरे घर का ही करूंगा, लेकिन तू तो खुद ही पा लिया रे। मधुमंगल ने कहा, रे लाला मेरे घर पर कुछ बनाया ही ना आई, बनाई थी जो परसों की ये कड्डी थी वो खट्टी हो गई थी, और वो तुझे पिलाऊं रे लाला मैं, है तेरा कहीं मुख खट्टा हो जावे तो तू तो माखन मिश्री खाने वाला है रे लाला। कन्हैया ने कहा, नहीं आज का भोजन तो तेरे घर का ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मधुमंगल ने कहा, लाला है ही ना तो कहां से लाऊं। कन्हैया ने कहा, है ना, कहां है, ये देख ये तेरी छाती पर लगी हुई है कड्डी। तुरंत कन्हैया दोनों बाजुओं को पकड़े मधुमंगल के और जीभ निकाली मुख से और चाट लिया कड्डी को। ये सब दृश्य कौन देख रहे हैं? ऊपर से ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से। ब्रह्मा जी ने सोचा, ये कोई त्रिलोकीनाथ है जो झूठी कड्डी चाट रहे हैं, ये त्रिलोकीनाथ नहीं हो सकता। लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं भी गया था गर्भ स्तुति करने जब इनका जन्म हुआ था, लेकिन अगर ये वास्तव में त्रिलोकीनाथ है तो इनकी परीक्षा लेकर देखूं मैं। ब्रह्मा जी आए, अपनी योग माया से जो बछड़े चर रहे थे ना, उस बछड़े को ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। अब कन्हैया बछड़े को संभालने गए तो पीछे से ब्रह्मा जी ने अपनी योग माया से जो सब बाल सका थे ना, सब को ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। आगे देखे कन्हैया तो बछड़े नाई देखे दिखे, पाछे देखे तो सका नाई दिखे। कन्हैया ने कहा, ये कौन सी परेशानी आ गई आज? आंखें बंद करके ध्यान लगा के देखा तो ये सब ब्रह्मा जी का किया कराया है। अब क्या कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? अपनी योग माया से जितने बछड़े थे ना, सब बछड़े भगवान श्री कृष्ण अपने ही रूप में बने। बछड़े के रूप में भगवान श्री कृष्ण है आज। जितने सका है ना, उन सब के रूप में भी भगवान श्री कृष्ण बन गए। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी में समझा नहीं। सुखदेव जी ने कहा कि एक बार मैया यशोदा गैया का दूध निकाल रही थी, दूध निकालते समय कन्हैया गुटमन गुटमन चलकर आए। कन्हैया की जैसे ही घुटमन घुटमन चलकर आए, माँ यशोदा गैया का दूध निकाल रही है, उसी समय कन्हैया गोदी में चढ़ गए और माँ यशोदा का स्तनपान करने लग गए, दूध पीने लग गए। तो गैया टेढ़ी नजर से पीछे देख रही है और वो गैया मन ही मन सोच रही है, अरे लाला, अरे कन्हैया, एक दिन जैसे आज आप माता यशोदा का दूध पी रहे हैं ना, एक दिन मेरा भी स्तनपान करना। तो जितने बछड़े थे ना, उन सब के रूप में आज श्री भगवान कृष्ण बनकर आए।
मैया यशोदा चौक में कन्हैया का कन्हैया को दूध पिला रही थी। गोपियों ने मन में सोचा, अरे लाला, अरे कन्हैया, जैसे आज आप मैया यशोदा का स्तनपान कर रहे हैं ना, दुग्ध पान कर रहे हैं, कभी कभार हमारा भी दुग्ध पान करना। तो जितने गोपियों के मन की भावना समझ गए, जितने उनके बच्चे थे ना, बालक थे ना, उन सब के रूप में आज भगवान श्री कृष्ण आए और घर पर आए। जैसे ही बछड़े घर पर आए, बछड़े गैया के पास में ना गए, गैया बछड़े के पास में आ गई और अपना दुग्ध पान करवा रही है। माँ यशोदा, नंद बाबा सब बातें कर रहे हैं, हम बछड़े को खूंटे से खोले दूध पिलाने जावे, गैया के पास में ले जावे तो गैया दो पांच बार इधर उधर घूमे, लेकिन आज तो देखो स्वयं गैया बछड़े के पास में आ रहा। लेकिन उन्हें क्या पता कि ये लीला क्या हो रही है। हमेशा तो गोपियां अपने बालकों को डांटती थी, पटकारती थी, लेकिन आज से ही बहुत प्रेम कर रही है। ये एक साल तक चली ये लीला। ब्रह्मा जी एक साल बाद में मन में सोचे कि जाकर ब्रज में देखूं तो सही कि बछड़े कहाँ है या कन्हैया का क्या हाल है, देखूं तो सही। जैसे ही कन्हैया यहाँ ब्रज में आए ब्रह्मा जी, तो कन्हैया ने मन में सोचा कि आज ब्रह्मा जी की भी थोड़ी परीक्षा मैं ले लूं। ब्रह्मा जी जैसे ही नीचे आवे तो क्या देखते हैं कि ब्रज में जो बछड़े 12 महीने पहले में चुराया था ना, आज वही बछड़े वैसे के वैसे ही वो यहाँ ब्रज में चर रहे हैं, हरी हरी घास खा रहे हैं। ऊपर नजर डाल कर देखा तो ब्रह्मलोक में वही बछड़े, नीचे डाले नजर तो वही बछड़े, और उन बछड़ों को वही सका चरा रहे हैं जो 12 महीने पहले चरा रहे थे। ऊपर नजर डाला तो ब्रह्मलोक में वो बालक है, वो सका सब सोए हुए हैं। इतने में भगवान कृष्ण ने सोचा कि होगी सो देखी जाएगी। अब ब्रह्मा जी का स्वरूप बना के भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मलोक में चले गए और अपने महल के अंदर जाते समय द्वारपाल से कहा, सुनो, आजकल मेरा रूप लेकर बहुरूपिये बहुत घूम रहे हैं, जो भी द्वार पर आवे ना उसे अंदर मत आने देना, बाहर से ही वापस रवाना कर देना, ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण द्वारपालों को कह के अंदर चले गए। पीछे से ब्रह्मा जी आवे, ब्रह्मा जी जैसे ही अंदर जाने लगे तो द्वारपालों ने रोक लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, रे तुम क्या भांग खा रखी, तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारा राजा हूँ, ब्रह्मा है मेरा नाम, मैं इस लोक का राजा हूँ। द्वारपालों ने कहा, बहुत से देखे हैं तुम्हारे जैसे ब्रह्मा, तुम्हारे जैसे राजा, चलो यहाँ से, अभी अभी हमारे राजा तो अंदर गए हुए हैं। अरे मैं तो अब आ रहा हूँ, कौन गए अंदर, ना अभी गए, आप तो पधारो। द्वारपाल अंदर जाने ही ना देवे। ब्रह्मा जी ने कहा, रुको तो सही, मैं आंखें बंद करके ध्यान लगा के देखो तो सही कि राजा कौन है, अंदर कौन गया है। जैसे ब्रह्मा जी ध्यान लगा कर देखे आंखें बंद करके, तो ब्रह्मलोक में सिंहासन पर टेढ़े पैर पर पैर रखकर मुरली वाला बैठा हुआ है। ब्रह्मा जी ने द्वारपालों से कहा, वास्तव में वही है इस लोक के राजा, लेकिन उनसे मैं मिल तो लेऊं। भगवान श्री कृष्ण पास में आए, ब्रह्मा जी चरणों में लेट गए, क्षमा याचना करने लगे, माफी मांगी ब्रह्मा जी ने, प्रभु मुझसे गलती हो गई, जो तुम्हारे बछड़े तुम्हारे बाल सखा को मैं यहाँ लेकर आया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को माफ किया और जितने बाल सखा थे, जितने बछड़े थे, उन सबको कन्हैया अपने संग में ब्रज में लेकर आए हैं। जैसे ही वो बछड़े वो बाल सका अपने घर पर गए ना, तो घर पर जाते ही तुरंत मैया यशोदा के पास में गए और कहा, मैया आज तेरे लाला ने, आज कन्हैया ने एक बहुत बड़ा सर्प था, उसे मारा, उसे मारा,
तुरंत मैया यशोदा गोमूत्र लेकर आई, कन्हैया को स्नान करवाया, शुद्ध जल से स्नान करवाया और फिर गौशाला में ले जाकर गैया की पूंछ से नजर उतार रही है। कन्हैया ने कहा देखो ये माँ का प्रेम देखो है, सर्प मारा राक्षस व्रतासुर को मारा मैंने 12 महीने पहले और नजर आज उतर रही है मेरी, क्योंकि सब बालस का यही सोच रहे हैं कि हम सोकर उठे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि तुम्हें 12 महीने हो गए सोए हुए ब्रह्मलोक। इसलिए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं राजन आज होने वाली बात यानी 12 महीने पहले होने वाली बात को आज भगवान श्री कृष्ण के घर पर जाकर मैया यशोदा को बताया है सब सखाओं ने। प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं राजन अनन्या ममता वैष्णो ममता प्रेम संगता। कन्हैया बोले मैया से मैया अब मैं बड़ो हो गया हूं, दऊ भैया गैया चराने जावे तो मैं भी गैया चराने जाऊंगा, आज से बछड़ा चराना मैं नहीं जाऊंगा, मैं भी गैया चराने जाऊंगा। मैया यशोदा ने कहा ठीक है लाला, आज कन्हैया गैया का पूजन कर रहे हैं, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी की तिथि को भगवान श्री कृष्ण आज गैया चराने के लिए गए हैं, आज ही से भगवान श्री कृष्ण का नाम गोपाल हो गया, गो का पालन करने वाला जिनका नाम होता है गोपाल। आज भगवान श्री कृष्ण दऊ भैया के साथ में गैया चराने गए हैं। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी गैया चरा रहे थे तो उन गैया के बीच में एक और राक्षस आया बेल का रूप लेकर, उसका भी भगवान श्री बलराम जी ने उद्धार किया। एक धेनु का सुर आया उसका भगवान श्री कृष्ण ने, धेनु का सुर गधे का रूप लेकर आया तो दोनों पैर पकड़े भगवान श्री कृष्ण ने आकाश में घुमाया और जमीन पर दे मारा, उसका उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं आज ब्रज में से काली नाग को निकालना है, लेकिन निकाले कैसे, अगर काली देव पे जाऊंगा तो मैया जाने थोड़ देगी, तो ऐसा कोई नाटक करूं जिससे मुझे मैया भी मना ना करे और दाऊ भैया भी ना करे। लेकिन कन्हैया सुबह हुई सूर्य उदय हुआ तो सब सखाओं ने कहा लाला आज किस तरफ चलना है गैया चराने के लिए। कन्हैया ने कहा आज भैया गैया चराने की छुट्टी रखेंगे। क्यों छुट्टी क्यों रखेंगे? अरे भैया आज हम गैया चराने ना ही जाएंगे, आज हम खेलने जावेंगे, आज गैया हम चराने नहीं जावेंगे। सब सखाओं ने कहा ठीक है लाला आज हम भी खेलने चलेंगे, लेकिन कहाँ चलें खेलने? कन्हैया ने कहा आज काली देह पर चलेंगे। अरे ना भैया हम वहां ना चलेंगे। क्यों? अरे भैया मेरे माता पिता ने 5,000 गैया दान में दी थी ना, तब जाके मेरो जन्म भयो है, हम ना ही चलेंगे। एक सखा बोला लाला हम भी ना ही चलेंगे, हम हमारे माता पिता के एक ही संतान है भैया, हम ना ही चलेंगे। कन्हैया ने कहा काली देव पर चलेंगे लेकिन उसके अंदर थोड़ी चलेंगे, थोड़ी दूर किनारे पर खेलेंगे। अच्छा ठीक है तब तो चलेंगे, लेकिन खेल खेल सा कौन सा खेलेंगे? कन्हैया ने कहा एक चंदन का बल्ला मेरे पास में है। श्रीदामा ने कहा रेशम के पट से बनी हुई बॉल यानी गेंद मेरे पास में है, चलो आज यही खेल खेलेंगे। अब सब जैसे ही निकलने लगे काली देख पर जाने लगे, सामने से आ रहे थे बलराम जी। कन्हैया ने कहा हो गया कल्याण, क्यों नहीं जाने देंगे बलराम जी? इतने में बलराम जी ने पूछा लाला अरे कन्हैया आज कहाँ जा रहे हो? कन्हैया ने कहा वहीं जा रहे हैं। अरे वहीं जा कहाँ रहे हो बता तो सही,
इतने में सखाओं ने कहा काली देव पर जा रहे हैं। बलराम जी ने कहा मैं भी चलूंगा। कन्हैया ने कहा ना तुम नहीं चलोगे। क्यों? मैं क्यों नहीं चलूंगा? कन्हैया मन में सोच रहे हैं अगर बलराम जी को साथ में ले लेंगे ना तो वो काली नाग इन्हीं की बिरादरी का है, ये भी शेष अवतार है, वो काली नाग भी, तो ये उनका पक्ष लेंगे। तो कन्हैया ने कहा दाऊ भैया आप साथ में चलो तो चले ना तो हमें थोड़ी शर्म लगे। क्यों लगे रे भैया? अरे आप बड़े हम छोटे छोटे सका है ना, तो हम आपके साथ में खेले तो हमको शर्म लगे। दाऊ भैया ने कहा ठीक है तुम ही जाओ हम नहीं चलेंगे। अब सब सका आ गए काली देव पर खेलने के लिए तैयार हुए। पहले श्री दामा ने कहा सुन ले कन्हैया तू बड़ो होशियार है, तू बड़ो होशियार है, हमेशा पहले तू खेले आज हम खेलेंगे, तू बोल फेंक। अब कन्हैया बोल फेंकते हैं, श्रीदामा चंदन का बल्ला उनके हाथ में है, वो उन बोल के मारे लेकिन धीरे धीरे ही मारे। क्यों? क्योंकि श्रीदामा को पता है बेट यानी ये बल्ला जोर से घुमाऊंगा और कहीं ये गेंद यमुना जी में जा गिरे तो, और गिरेगी तो किनकी, मेरी जावेगी गेंद थोड़ा। सब बाल सका धीरे धीरे खेल रहे हैं लेकिन जैसे ही कन्हैया की बारी आई चंदन का बल्ला हाथ में लिया, अब श्रीदामा जैसे ही बोल फेंकने लगे गेंद फेंकने लगे तो श्रीदामा ने कहा सुन कन्हैया तू है ना बड़ो शैतान है बड़ो उद्यमी है, ऐसो है ना गेंद मेरी है भैया, तू थोड़ा बल्ले को धीरे घुमाना हो, कहीं जोर से बल्ला घुमा दिया और ये बोल अगर जमुना जी में जा गिरी ना तो तुझे ही लाकर देनी पड़ेगी और यही बोल लाकर देनी पड़ेगी। कन्हैया ने कहा ठीक है नहीं दूंगा, तू गेंद फेंक तो सही बोल फेंक तो सही। जैसे ही श्रीदामा ने एक बार फेंका धीरे से लगाई, दो बार फेंका धीरे से लगाई, तीसरी बार जैसे ही श्रीदामा ने बोल फेंकी भगवान श्री कृष्ण ने वो चंदन का बल्ला इतनी तेज से घुमाया कि वो बोल सीधे जाके यमुना जी के अंदर। अब सब सका कहने लगे लाला देख पहले ही श्रीदामा ने कहा था कि बेट ये बल्ला थोड़ा धीरे घुमाना, लेकिन सुन अगर गेंद अब उस जमुना जी में जा गिरी है तो अब लेकर तुझे ही आने पड़ेगी, क्योंकि सबके मन में ब्रजवासियों के जब जितने भी सका थे ना सबके मन में यही भाव भर दिया कि बोल वो ही लानी है, बोल वो ही लानी है और अभी लानी है क्योंकि इसी हिसाब से तो जमुना जी में जावेंगे। लेकिन कन्हैया ने कहा कि नहीं ऐसा है मैं रेशम की पट से बनी हुई दूसरी गेंद दे दूंगा। तब श्रीदामा ने कहा ना भैया खेल में कोई बड़ा छोटा नहीं होवे, हाँ तेरे पिताजी के पास में लाखों गैया होगी मेरे पिता के पास में हजारों गैया है लेकिन भैया खेल में सब समान है, मौको तो वही गेंद चाहिए, मौको तो वही गेंद चाहिए। कन्हैया ने कहा अरे लाला वो जमुना जी में जा गिरी अब कहां से, नहीं हमें वही चाहिए लेकर आऊं, हाँ लेकर आ। कन्हैया तुरंत कदम के वृक्ष पर चढ़ गए, लाऊं या आ जाऊं वापिस? सब सकाओं ने कहा लाओ ना आ जाऊं क्या कर रहा है, तुरंत टहनी पर चले गए। अब कूद जाऊं या वापिस आ जाऊं? श्रीदामा मन में सोचा ये कूदेगा तो है नहीं बड़ा होशियार है, केवल ऐसे ही कह रहा है मैं कूद जाऊं या वापिस आ जाऊं, कूद जाऊं या वापिस आ जाऊं। कन्हैया से कहने लगे श्रीदामा अरे कूद जाऊं क्या करे कूदे ना अंदर। सब सकाओं ने कहा श्रीदामा से अरे श्रीदामा ये वास्तव में कूद जाएगा, ये वास्तव में कूद जाएगा वापिस बुला ले इसे। श्रीदामा ने कहा अरे हाँ भैया ठीक है कन्हैया ऐसा कर तू रहने दे, तू है ना तेरे घर से दूसरी गेंद बना के दे देना तू वापिस आ जा। अब कन्हैया कहता ना अब मैं नहीं आऊंगा, अब तो तेरी वही गेंद लेकर ही आऊंगा बाकी आऊंगा ही ना। तुरंत सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते राजन भगवान श्री कृष्ण ऐसी छलांग लगाई कि जमुना जी में कूद गए और पानी में। अब जमुना जी के अंदर पानी के अंदर चले गए नीचे,
जब बेटे के जीवन में कोई दुख आ जावे, कोई कष्ट आ जावे ना, सबसे ज्यादा तकलीफ उसकी माँ को होती है। माँ चाहे ही आप चाहे 100 कोस दूर हो और माँ आपकी गांव में है, आपके कोई कष्ट होवे, कोई दुख होवे, कोई तकलीफ होवे ना, आप फोन भी ना करोगी, ना करोगे ना, फिर भी आपकी माँ को आपके गांव में पता चल जाएगा कि आज मेरे बेटे के जीवन में कष्ट आया है। अरे एक छोटा सा आपके कोई ऑपरेशन भी होवे ना, आपको बेहोश कर देते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन फिर भी होश आवे या कष्ट होवे, कोई पीड़ा होवे तो आप चिल्लाते हो, अरे हमारी माँ। चिल्लाओगे नहीं चिल्लाओगे? दुख में ही याद आवे माँ। तुरंत माँ यशोदा नंद बाबा से कह के कहने के लिए गई दौड़ी दौड़ी, अरे आज हमारे लाला नजर नहीं आ रहे, दिख ना आ रहे हो कन्हैया। नंद बाबा ने कहा सुबह से मैंने भी नहीं देखा। बलराम सामने से आ रहे थे, बलराम जी से पूछा, अरे दाऊ आज तेरे संग में कन्हैया नहीं है, कहाँ गए हो? दाऊ भैया ने कहा वो तो काली देव पे खेलने के लिए गया है। तो मैया यशोदा ने कहा जरूर वो काली देव के अंदर कूद गया होगा, और काली देव में एक कालिया नाग बड़ा जहरीला रहता है, खा जावेगा उसे। सब ब्रजवासी मैया यशोदा के संग में सब दौड़ आए काली देह के किनारे, और मैया यशोदा नंद बाबा सब ब्रजवासी सब कह रहे हैं, अरे कन्हैया के बिना हम एक पल भी नहीं रहेंगे इस ब्रज में, हम भी उनके संग में इस यमुना जी में कूद जाएंगे। लेकिन दाऊ भैया सभी को रोक रहे हैं, सब मूर्छित तो हो गए। इधर जल के अंदर कालिया नाग के सैनिकों ने देखा कि इतना सुंदर बालक है हमारे जीवन में नहीं देखा, लेकिन अभी तक ये जीवित कैसे है, लेकिन अभी तक ये जीवित कैसे है, मरा क्यों नहीं पानी के अंदर। तुरंत दौड़े दौड़े राजा के पास में गए, कालिया नाग के पास में, उनसे जाकर कहा राजन आज हमारे जल के अंदर एक बड़ा सुंदर बालक किलोल कर रहा है, खेल रहा है। तुरंत कालिए नाग आया और कुछ पल के लिए तो वो झांकी देखकर वो भी चकित हो गया, लेकिन फिर ध्यान आया कि ये लाला जीवित क्यों है, अभी तक पानी के अंदर जीवित क्यों है, अब इसे मरना होगा, अगर नहीं मारूंगा तो दुनिया वाले जो ब्रजवासी के मन में मेरे प्रति डर है ना, वो डर निकल जाएगा। तुरंत कालिए नाग आया और भगवान श्री कृष्ण जो बाल रूप में है उनको चारों तरफ आकर लिपट गया वो। कन्हैया जितना छोटा हो उतने बड़े भी हो सकते हैं। अब कन्हैया अपने शरीर को फुलाने लगे तो जैसे ही शरीर को फुलाने लगे तो कालिए नाग की नस नस ढीली होने लगी। तुरंत कन्हैया कालिए नाग के शरीर से निकल के जो बंधे हुए थे उनसे निकल कर तुरंत फन पर जा खड़े हुए, और फन पर वो पैर से जोर जोर प्रहार करने लगे। जो फन ना झुके ना उसे झुकावे, और दो फनों के बीच में अगर पैर चला जावे तो कालिए नाग के वहां से रक्त निकलने लगे। ये सब देख कर कालिए नाग की पत्नी आई, क्षमा याचना करने लगी, प्रभु हमारे पति देव को माफ कर दीजिए, नहीं तो ये मर जावेंगे, छोड़ दीजिए इनको। कन्हैया ने कहा मैं छोड़ तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त क्या है? कालिए नाग अपने पूरे परिवार को लेकर यहाँ से ब्रज को छोड़कर हिमालय की तरफ रमणक द्वीप पर्वत पर चला जावे। कालिए नाग ने कहा ठीक है हम चले जावेंगे प्रभु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अब मुझे पानी से बाहर निकालो।
भगवान कालिये ना की फन पर खड़े हुए हैं। नारद जी इधर कह रहे हैं सभी देवताओं को, अरे देवताओं सोए हुए क्यों हो, आज मेरे कन्हैया ने आज कालिये नाग को नाथ लिया है। भगवान श्री कृष्ण कालिये नाग पर नृत्य कर रहे हैं फनों के ऊपर, और सभी देवता आकाश में से पुष्प वर्षा कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तभी पानी से जैसे ही बाहर आए, जैसे ही पानी से बाहर आए तो मैया यशोदा को होश आया। मैया यशोदा ने कहा, अरे लाला ये सर्प तुझे खा जाएगा, तू जल्दी आ इसके शरीर से उतर कर यहाँ आ जा। कन्हैया ने कहा, मैया अब ये मेरो चेला हो गयो, अब ये मुझे ना ही खावेगो। भगवान श्री कृष्ण मुरली बजा रहे हैं और उन फनों पर नृत्य कर रहे हैं, ये देख कर सभी ब्रजवासी सब नृत्य कर रहे हैं। क्या ओ जी काली ते पर खेलन आयो री मेरो छोटो सो कन्हैयो, छोटो सो कन्हैयो मेरो वारो सो कन्हैयो, छोटो सो कन्हैयो मेरो वारो सो कन्हैयो, काली ते पर खेलन आयो रे मारो संगले अरे के जको खेल रचायो री मेरो छोटो सो कन्हैयो, ये जी के जको खेल रचायो जी मारो छोटो सो कन्हैयो, छोटो सो मेरो कन्हैयो मेरो मारो सो
सुखदेव जी कहते हैं राजा आज भगवान श्री कृष्ण कि जो ये चरित्र सुना रहा हूं मैं बड़ा पवित्र है। चीरहरण की कथा आप जरा गौर से सुने। आज भगवान श्री कृष्ण गोपियों के पास में आ रहे हैं और गोपियों से कहा गोपियों आप सुबह 4 बजे जल्दी उठो, यमुना जी में स्नान करने जाओ और यमुना जी में आप निर्वस्त्र होकर स्नान करो और फिर स्नान करने के बाद में आप कात्यायनी माता के मंदिर में जाओ और कात्यायनी माता का आप पूजन करो और कात्यायनी माता का पूजन करते वक्त आप ऐसा बोलते हो कैसा कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिर में गुरुते नमः। हे माँ कात्यायनी हे माँ माये हे माँ योगिन्यधीश्वरी नंद गोप यानी नंद गोप का जो छोरा है ना वो हमें पति रूप में मिले इसीलिए कह रहे हैं कात्यायनी महामाये मा योगिनी दीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिर में कुरुते नमः। नंद गोप का जो छोरा है वो हमें पति रूप में मिले। कन्हैया कहते हैं ये पूजन करते हो यहां तक तो ठीक है लेकिन तब कन्हैया कहते हैं कि आप स्नान करो सुबह उठकर बहुत बढ़िया बात है यमुना जी में जाओ स्नान करो लेकिन निर्वस्त्र स्नान करती हो ना आप ये बहुत गलत काम है। क्यों? क्योंकि जल के जो देवता है वो वरुण भगवान है और उनका आप जल के जो देवता है उनका आप अपमान करते हो और दूसरा है कोई मंचला आ गया और जमुना के किनारे से आपके कपड़े उठाकर ले गया तो फिर आप क्या करोगी। तो गोपियों ने कहा अरे लाला अरे कन्हैया इस ब्रज में है ना तुमसे बड़ा मंचला और कोई नहीं है और सुबह 4 बजे उठकर जमुना जी में कौन आवेगा वहां कोई नहीं आ सकता। अगर कोई आ सकता है तो तुम हो बाकी कोई नहीं आ सकता। कन्हैया ने कहा ठीक है होगी सो देखी जाएगी। दूसरे दिन यमुना जी में जैसे ही स्नान करने गई गोपियां पीछे से कन्हैया गए सारे वस्त्र को उठाए और कदम के वृक्ष के ऊपर जा बैठे। इधर गोपियां जब स्नान करती करती एक गोपी दूसरी से कहने लगी अरे सखी जल्दी चलो अभी कात्यायनी माँ का पूजन भी करना है और पूजन करते समय
ऐसा पूजन करते समय ऐसा बोलना भी है। कात्यायनी माँ माए माँ योगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिर में कुरुते न में। कन्हैया को हमें पति रूप में भी मांगना है। इतने में दूसरी सखी ने कहा ठीक है चलो निकलो। जैसे यमुना जी से बाहर निकलने लगे तो यमुना के किनारे देखे तो उनके वस्त्र है ही ना। चारों तरफ नजर डालकर देखा वस्त्र नजर नहीं आए। तब एक सखी कहती है अरे सखी देखो वो कदम के वृक्ष के ऊपर वो देखो वो कन्हैया बैठा हुआ है और वो देखो वो सारे वस्त्र अपने वहां देखो वो कदम के वृक्ष की टहनियों पर लटके रखे हैं। गोपियों ने कहा अरे लाला अरे कन्हैया अरे हमारे वस्त्र दे दे रे। कन्हैया ने कहा है तुम्हारे वस्त्र। कन्हैया ने कहा है तुम्हारे वस्त्र ये है ना ये देखो ये तुम्हारे कदम पर लटके हुए है ना टेनियों पर यही है हमारे वस्त्र। कन्हैया ने कहा गोपियों ये तुम्हारे वस्त्र नहीं है ये तो मेरे कदम के पुष्प है लाल गुलाबी बैंगनी है ना ये तो मेरे कदम के पुष्प है ये तुम्हारे वस्त्र नहीं है। गोपियों ने खूब प्रार्थना की लाला बोर होने वाली है सूर्य भगवान निकलने वाले हैं आप हमारे वस्त्र जल्दी दे दीजिए। कन्हैया ने कहा मैंने पहले ही मना किया था ना कि निर्वस्त्र जमुना जी में स्नान नहीं करना है और आप निर्वस्त्र स्नान कर रही हो मेरा कहना नहीं माना ना आपने। गोपियों ने कहा अरे लाला आज दे दो आज के बाद कभी निर्वस्त्र स्नान नहीं करेंगे आज के बाद हम कभी निर्वस्त्र स्नान नहीं करेंगे। तब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से क्या कहते हैं ले गयो चीरी मुरारी मिना रही सवरा जड़ जमुना ठीक है आओ और ये किनारे पर वृक्ष है कदम के वृक्ष के नीचे ये जो आपके वस्त्र रखे हुए हैं ले जाओ। कन्हैया से कहा गोपियों ने कि आप थोड़े दूर तो जाओ फिर हम आवेंगे।
कन्हैया वहाँ से कदम से नीचे उतरे, थोड़े दूर चले गए, सब गोपियाँ आई वस्त्र पहने, और कन्हैया जब पास में आई तो क्षमा याचना मांगने लगी सभी गोपियाँ। तो कन्हैया ने कहा, सुनो आज तुम्हारी जो आप पाठ पूजा करते हो ना, सुबह नहा धोकर माँ कात्यायनी में पूजन करे हो, पूजन में तुम मुझे मांगो पति रूप में, तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में राधा रानी के संग में जब मैं रास रचाऊंगा ना, तो तुम भी वहाँ आ जाओगी और तुम्हारे संग भी में मैं रास रचाऊंगा। तुम्हारी ये जो प्रतिज्ञा है, संकल्प है, ये शरद पूर्णिमा की रात्रि पर पूर्ण करूंगा मैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, राजा आज भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों को मिल गए, फिर भी सभी ब्रजवासी इंद्र का पूजन करते हैं, 56 भोग बना रहे हैं सभी ब्रजवासी अपने अपने घर में, इंद्र पूजा होगी इसलिए। जब भोजन बना रही थी माँ यशोदा पकौड़ी बना रही थी, कन्हैया जैसे ही रसोई के अंदर जाने लगे, मैया यशोदा ने कहा, अरे लाला, अरे दूर 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 भैया, बाहर रहे बाहर रहे बाहर रहे। मैया यशोदा ने दहलीज पर खड़े होकर कहा, मैया मोको एक पकौड़ी दे दो, मैं अंदर आऊंगो ही ना। तब मैया यशोदा ने कहा, रे लाला, ये भगवान इंद्र के लिए हम भोग बना रही है, इनमें से आपको दे देंगे तो झूठा हो जाएगा, इसलिए भैया ऐसा है ना, तुम अभी हम तुमको नहीं दे सकते, चलो यहाँ से। कन्हैया तुरंत जहाँ नंद बाबा बैठे थे वहां आए और आकर कहने लगे, बाबा आज मैं एक पकौड़ी लेने रसोई के अंदर गया तो मैया यशोदा ने कहा, रे लाला दूर रहे बाहर निकल, एक पकौड़ी नहीं दी मुझे। तब नंद बाबा ने कहा, रे भैया लाला हम भोग बना रहे हैं इंद्र के लिए, उनके यहाँ हम हवन यज्ञ करेंगे, भोग लगावेंगे, फिर बाद में हम प्रसाद पावेंगे। कन्हैया ने कहा, आप को कितना समय हो गया इंद्र पूजन करते हुए? तब नंद बाबा ने कहा, मैं क्या, मेरे बाबा लोग भी उस समय से भी हम इंद्र पूजन करते आ रहे हैं, क्यों करते हो तुम इंद्र पूजा? तो नंद बाबा ने कहा, रे लाला हम इंद्र पूजा इसलिए करे, इंद्र की पूजा करेंगे, इंद्र राजी होगो, प्रसन्न होगो तो हमारे ब्रज में बारिश करेगो तो हमारी ये ब्रज की भूमि है ना, ये हरी भरी होगी ना, तो हमारी जो ये गैया है ना, वो हरी हरी घास खावेगी, इसलिए हम इंद्र का पूजन करते हैं। कन्हैया ने कहा, कभी इंद्र दर्शन दिया आपको? नहीं, दर्शन तो नहीं दिया। आप भोग लगाते हो, भोग पाया उसने? नहीं पाया। तो कन्हैया ने कहा, हमारे गोवर्धन महाराज है, आप उनका पूजन कीजिए, आप उनका पूजन कीजिए। क्यों? क्योंकि ब्रज में कई संकट आ जावे, कहीं बाढ़ भी आ जावे ना, तो ब्रज की रक्षा ये गोवर्धन करता है, बाहर का पानी अंदर ही नहीं आने देता ब्रज में, इसलिए हम गोवर्धन जी का पूजन करेंगे। तब नंद बाबा ना बोले, उससे पहले एक बाबा लोग और बोल गया, क्या? उसने कहा, लाला कन्हैया तेरे गोवर्धन नाथ का हम पूजन करेंगे, गोवर्धन जी का, तो क्या वो साक्षात प्रकट होकर भोग पावेगा? कन्हैया ने कहा, हाँ जरूर पावेगा। अच्छा, जरूर पावेगा? हाँ। तो सब ब्रजवासी नंद बाबा से कहने लगे, ठीक है, तो आज कन्हैया कह रहा है ना, तो आज अब इंद्र की पूजा बंद कर देवे और गोवर्धन की पूजा शुरू कर देवे। लेकिन सुने, अगर इंद्र नाराज हो जावेगा तो तुम्हारे गोवर्धन भगवान को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। कन्हैया ने कहा, हाँ जरूर रक्षा करेंगे। अब 56 प्रकार का भोग बनाए सभी ने, सांडिल्य मुरली पूजा की थाली ले रखे हैं, सब आगे जा रहे हैं, आगे आगे सांडिल्य मुनि चल रहे हैं, पीछे सब ब्रजवासी, उनसे पीछे बैलगाड़ियां जिनमें भोग रखा हुआ है, और सब गोवर्धन भगवान के यहाँ आए।
सब ब्रजवासियों ने कहा लाला तेरा गोवर्धन है कहाँ? तो कन्हैया ने कहा ये देखो ये सात कोस का लंबा चौड़ा ये गोवर्धन है हमारा। अरे ये है तुम्हारा गोवर्धन नाथ? हाँ। कहाँ है? सामने बुलाओ फिर भोग पावे कि नहीं पावे हम देखें। तो कन्हैया ने कहा पहले गोवर्धन जी को स्नान तो कराओ, पहले गोवर्धन जी को स्नान तो कराओ। अब सब जमुना जी से बाल्टी भर लावे, कोई मटका भर लावे, गोवर्धन पर्वत पे डाले। सुबह से शाम हो गई लेकिन गोवर्धन जी का तो नख भी गीलो ना आई हुई। अब छोटे मोटे थोड़ी है गोवर्धन जी, सात कोस लंबे चौड़े। सब ब्रजवासी कन्हैया के पास में आए और कहने लगे अरे लाला सुबह से शाम हो गई तुम्हारे गोवर्धन जी को तो नख भी गीलो ना आई हुई हो। कन्हैया ने कहा कि तुम चाहते क्या हो? सब ब्रजवासियों ने कहा कि यहीं पानी की व्यवस्था हो जावे ना तो यहीं से जल भरे और गोवर्धन जी पे डाल देवे, स्नान करवा देवे। भैया सभी ब्रजवासियों से कन्हैया ने कहा तुम आंखें बंद करो। सभी ब्रजवासियों ने जैसे ही आंखें बंद की तुरंत भगवान के मन से गंगा प्रकट हो गई। वहां बोलिए मानसी गंगा की। सभी ब्रजवासी उन मानसी गंगा में से जल लेवे, आज भी है वो कुंड, जल लेवे और गोवर्धन जी को स्नान करवा रहे हैं। सात कोस के उत्तर में जाओ ना तो साक्षात गोवर्धन भगवान है, दक्षिण में जाओ ना तो साक्षात वेंकटेश भगवान है, तिरुपति बालाजी जिन्हें कहते हैं। ये कलयुग में एक साक्षात देवता है, बाकी सब है। लेकिन देखो गोवर्धन कौन कौन गए आप? गए कोई? हाँ खूब गए। और यहाँ अगर आज मैं कह दूं आपको कि सात कोस आपको पैदल चलना है तो आप नहीं चल पाओगे, लेकिन वहां बिना थके पैरों में थकान आवे ही ना है, दौड़ते हुए आप ऐसी गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाओ कि थकान आवे ही ना है। अरे आप क्या बड़े बड़े जो सेठ होवे हाँ जिनके पेट भी बहुत बड़े होवे वो भी दौड़ते हुए गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाते हैं जी। अब आप में से कौन कौन गोवर्धन जी चलना चाहते हैं? चले बस बुलावे? चलो ठीक है, आज हम मन से ही चलते हैं गोवर्धन जी। मन में ये ध्यान कीजिए कि हम गोवर्धन जी आ गए और हम गोवर्धन जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारी वीर नहीं बाने मेरा बनवा। अरे नहीं माने मेरा मनवा, वो दिन नहीं माने मेरा मनवा, नहीं माने मेरा मनवा, नहीं मेरो मनवा
शेर की करुण कढ़ाई कन्हैया को कहने लगे रे लाला तुम्हारे गोवर्धन भगवान तो अभी तक आए ही ना आए, अब भोग लगाना है। कन्हैया ने कहा सब आंखें तो बंद करो। अब जैसे ही आंखें बंद की सामने चार हाथ वाले बड़े गोवर्धन भगवान सामने प्रकट हो गए। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। कन्हैया ने कहा ब्रजवासियों अब भोग लगाओ। गोवर्धन भगवान बैठ गए। जो भी भोग बना है सब गोवर्धन भगवान के समक्ष रखा और भोग पा रहे हैं। सुबह से शाम हो गई भोग लगाते पाते पाते। तब मधुमंगल बोलियो अरे लाला अरे कन्हैया
जरा मेरे पास में आना। जैसे ही कन्हैया पास में आया, कन्हैया ने कहा क्या बात है? मधुमंगल ने कहा जरा तेरा कान मेरे पास में नजदीक ला। जैसे ही कान नजदीक किया तो मधुमंगल ने कहा लाला ये तुम्हारे गोवर्धन भगवान चार ही हाथ से पा रहे हैं, आराम से धीरे धीरे पाले मेरे, कहीं ये भोग जा थोड़ी रहा। कन्हैया ने कहा ये तो ऐसे ही पावे, चार ही हाथ से ही पावे। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, मधुमंगल को डर है कि ये चारों हाथों से पा रहे हैं, कहीं प्रसाद पीछे छोड़ेगो कि नहीं छोड़ेगो, ये सारो प्रसाद पा जावेंगे क्या? क्योंकि ब्राह्मण का बेटा है ना मधुमंगल, भूख थोड़ी ब्राह्मण के बेटे को ज्यादा ही लागे। हाँ भूखो ब्राह्मण नार बरोबर हो वो। अब मधुमंगल दूसरे दिन शाम को वापिस कन्हैया को कहा लाला। हाँ बोल। अरे ये तुम्हारे गोवर्धन भगवान सारा प्रसाद पा जावेंगे कि पीछे भी थोड़ा बहुत रखेंगे? तब कन्हैया ने कहा लाला अरे ये सब हमारे लिए प्रसाद रख लेंगे, लेकिन पहले इन्हें पाने तो दो। जब तीसरा दिन प्रारंभ हुआ, भोग लगा रहे हैं, भोग पा रहे हैं गोवर्धन भगवान, इतने में नारद जी गए इंद्र के पास में और जाकर कहा इंद्र महाराज आज से आपका पत्ता साफ हो गया। क्यों क्या हुआ? क्यों क्या हुआ? नारद जी ने कहा तुम्हारी बरसों से पूजा होती आ रही थी ब्रज में, लेकिन आज ब्रज में तुम्हारी पूजा नहीं हुई, आज तुम्हारी जगह गोवर्धन जी की पूजा हो रही है। इंद्र ने देखा वास्तव में गोवर्धन की पूजा हो रही है, तो इंद्र ने मेघ मालाओं को आदेश किया, काले पीले बादल आए और कहा कि जाओ ब्रज में जाकर इतना पानी बरसाओ कि पूरा ब्रज ही बह जाए। काले पीले बादल आए और ब्रज में इतनी बारिश होवे बरसात आ मत बरसो महाराज, बरसात ठाकुर यूं प्रार्थना करो ज्ञान ब्रज में बरसियो न ओशान ई साल ब्रज जाड़िया में बरसो। प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा रे इंद्र कैसा खीर में नमक डाला है रे तुमने यार। सब ब्रजवासियों ने कहा अरे लाला अरे कन्हैया देख हमने पहले ही कही थी ना इंद्र नाराज हो जाएगा तो क्या होगा। गोवर्धन भगवान से कह कन्हैया कहने लगे अरे हमारी रक्षा सब गोवर्धन भगवान करेंगे, कहाँ करेंगे ये तो भोग लगा रहे हैं। अरे अभी रुक तो जाएंगे ये। गोवर्धन भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए जो मानव रूप में आए थे। वो सब ब्रजवासियों से कन्हैया ने कहा कि आप आंखें तो बंद करो, एक रूप में कन्हैया खड़े हैं, दूसरे रूप में गोवर्धन भगवान, ये कन्हैया का ही रूप है वो। जैसे ही सभी ब्रजवासी आंखें बंद की, भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ की कन्नी अंगुली पर गोवर्धन भगवान को धारण कर लिया। जैसे ही गोवर्धन भगवान को धारण किया सब ब्रजवासियों से कहा आंखें खोलो, बोलिए श्री गिरधर भगवान की। जैसे ही आंखें खोली तो सब ब्रजवासियों से कहा आप सब तुम नीचे आ जाओ। गोवर्धन भगवान के नीचे सब आ गए, गैया सब थे वो, गैया भी आ गई, बाल गोपाल सका ब्रजवासी सब आ गए और सब आकर खड़े हो गए। कन्हैया अपनी कन्नी अंगुली पर नक पर गोवर्धन को धारण कर रखे हैं। एक दिन हुआ, दो दिन हुए, तीसरे दिन शाम को सब ब्रजवासियों ने कहा लाला तीन दिन हो गए तुम्हें गोवर्धन जी को उठाए हुए, ऐसा करें तू थोड़ा विश्राम कर ले और हम ये जो लाठियां है ना बड़ी बड़ी लकड़ियां ये लगा लेते हैं गोवर्धन जी के नीचे,
ठीक है, तू थोड़ा विश्राम कर ले। कन्हैया ने कहा, अरे ब्रजवासी, ये तुम लाठियां लगाओगे लेकिन जैसे ही मैं अंगुली को नीचे करूंगा गोवर्धन जी नीचे आ जाएंगे। क्यों क्यों आवेंगे रे भैया? अरे ब्रजवासियों से कहने लगे, अरे भाई मैं तो भगवान हूँ इसलिए इस गोवर्धन को उठा रखा हूँ, तुमसे नहीं उठेगा। सब ब्रजवासियों ने कहा, वाह मुंह धोबो तो आवे ही ना, और तू हमारे बीच में भगवान बने? कौन सा ऐसा काम किया जो तू भगवान है? कौन सा ऐसा काम किया जो तू भगवान है? कन्हैया ने कहा, मैंने पूतना मारी, अरिष्टा सुर मारा, बका सुर मारा, भोमा सुर मारा। अरे वाह, रहने दे भैया, मारा तेने पूतना। अरे उस पूतना के मरी मराई के 10 लाठिया तो हमने ही मारी थी, तूने क्या मारा? उस मरी मराई पूतना के 10 लाठिया तो हमने मारी थी। हम कह रहे हैं छोटो सो लाला है, थक गयो होगो, तू अंगुली हटा ले, आराम से बैठ जा, विश्राम कर ले, थोड़ा थोड़ा विश्राम कर ले। अब कन्हैया ने कहा, भगवान की कहा कि मैं भगवान हूँ इसलिए उठा रखा है, तो ये मना कर दे, मुंह धोबो तो आवे ही ना, तू हमारे बीच में भगवान बने। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है सब लाठियां लगा लो। सब लाठियां लगा ली, बड़ी बड़ी लाठियां। कृष्ण ने कहा, अब मैं कन्नी अंगुली हटाऊं, अब मैं कन्नी अंगुली हटाऊं। तो सब ब्रजवासियों ने कहा, हटा लो लाला, हटा ले। कन्हैया ने मन में सोचा, थोड़ी अंगुली को ढीली करके देखूं तो सही। जैसे ही अंगुली को हटाने लगे कन्हैया, तो गोवर्धन जी नीचे आवे। अब नीचे आवे तो सब ब्रजवासियों की जो लाठियां लगी थी ना, सब चट 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 करके कूदने लगे। अब सब लाठियां चट चट करके टूटने लगे तो सब ब्रजवासी कह दे, अरे लाला, अरे कन्हैया, अरे संभाल 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 भैया, तुम्हारे गोवर्धन नाथ को संभालो रे भाई, संभालो। वापिस कन्हैया ने गोवर्धन जी को धारण कर लिया। तब सब ब्रजवासियों ने कहा, अरे लाला, तुम्हारी ये छोटी सी अंगुली, इसके नग पर गोवर्धन धारण हो रखा है, और हम इतनी बड़ी बड़ी लाठियां लगाई फिर भी गोवर्धन जी नीचे आ रहे हैं, ऐसा क्यों है रे भाई? कन्हैया ने कहा, अगर मैं वापिस कहूंगा कि मैं भगवान हूँ इसलिए धारण कर रखा है, तो ये मना कर देंगे, मुंह धोबो तो आवे ही ना, हमारे बीच में भगवान बने। तो कन्हैया ने क्या कहा? कन्हैया ने कहा सभी ब्रजवासियों से, मेरे गोविंद ने कहा, अरे लाला, कन्हैया कहता है, अरे ब्रजवासी, कछु माकन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सा, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी साए, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। सब ब्रजवासियों ने कहा, कैसे रे भाई, हम समझे नहीं। कन्हैया ने कहा, कुछ माखन का बल बढ़ा। माखन का कैसे? जब मैं छोटा था तो मैया यशोदा हमें माखन खिलाती थी, तो उसका बल बढ़ा। और कछु गोपन करी सहाय, अरे भैया हमने कैसे तेरी सहायता की? हमने कैसे तेरी सहायता की? तो कन्हैया ने कहा, जब से मैंने गिरवर उठाया है ना, तब सभी ब्रजवासी टकटकी लगाकर एक नजर से तुम मुझे देख रहे थे, जो तुम्हारे में शक्ति थी ना, वो सब मेरे में आ गई। तो सब ब्रजवासी कहने लगे, हाँ, जब भी हम दो तीन रोज हो गए देख रहे कि आजकल हम इतने कमजोर कैसे हो गए। अरे लाला, तू माखन चुरातो चुरातो तू शक्ति भी चुराने लग गयो रे। अरे तू माखन चुराते चुराते शक्ति भी चुराने लग गयो।
तब कन्हैया कहते हैं श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। राधा रानी है ना तुम्हारी, इनकी कृपा से मैंने गिरवर लिया उठाए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं राजन इधर इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दिया कि जाओ अगर पूरा ब्रज बह गया हो ना तो वहां पानी बरसाना बंद कर दो और वापिस आ जाओ। जब दूसरे मेघमाला और गए तो वहां क्या जाकर देखते हैं कि वहां तो धूल उड़ रही है। तुरंत आए और इंद्र को कहने लगे महाराज राजन वहां ब्रज में तो धूल उड़ रही है, अरे तो ये पानी बरस रहा है ये जा कहां रहा है। तो इंद्र से कहने लगे कि गोवर्धन के एक तरफ बैठकर भगवान का सुदर्शन चक्र चल रहा है वो पानी को सुखा रहे हैं और एक तरफ अगस्त मुनि बैठकर पानी पी रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा अगस्त मुनि बैठकर पानी पी रहे हैं ये मैं समझा नहीं। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं राजन रामा अवतार में जब लंका पर विजय श्री प्राप्त करके जब अयोध्या में वापिस आए ना तो मैया यशोदा के मन में भावना थी कि हमेशा एक ब्राह्मण को भोजन कराऊं और हमेशा एक ब्राह्मण को भोजन कराती थी माँ सीता। अब शाम को दिन में भोजन करावे शाम को आकर राम जी से कहे कि प्रभु नाथ ऐसे ऐसे ब्राह्मण भोजन करने के लिए आते हैं बड़े दुबले पतले एक दो तीन फुलका ही खावे भर पेट के तो भोजन करे ही ना ही ब्राह्मण देवता। मेरे मन में इच्छा है कि ऐसा कोई ब्राह्मण आवे जो आराम से भर पेट बैठकर भर पेट भोजन करे। ऐसा कोई ब्राह्मण मेरे द्वार पर आवे तो बहुत बढ़िया रहे मेरे घर पर आवे तो बहुत बढ़िया। राम जी ने कहा ठीक है अब बुलाएंगे कल बुलाऊंगा तुम्हारे यहाँ अच्छे ब्राह्मण को जो खूब सारा भोजन करते हैं भर पेट कर भोजन करते हैं। माँ सीता ने कहा ठीक है। दूसरे दिन सुबह भगवान श्री रामचंद्र जी ने अगस्त मुनि का ध्यान किया। अगस्त मुनि पधार गए प्रभु आपने याद किया हमको। राम जी ने कहा कि तुम्हारी मैया तुम्हें भोजन कराना चाहती है माँ सीता ऐसा करो आप अंदर पधारो रसोई के वहां वहां भोजन प्रसाद पाओ। इधर माँ सीता को आवाज लगवाई माँ सीता ने ब्राह्मण देवता को देखा तो हमेशा आते हैं ना उनसे भी दुबले पतले हैं अगस्त मुनि। माँ सीता ने कहा ये क्या भोजन करेंगे बड़े दुबले पतले महाराज जी पधारे। पंडित जी रसोई के बाहर आसन लगाया बिठा दिया अगस्त मुनि जी को। भोजन की थाली आई खीर है, है दाल है अनेक तरह की मिठाइयां है पूड़ी है सब्जी है, है। जैसे ही अगस्त मुनि टेढ़ी नजर से राम जी की तरफ देखे तो राम जी ने कहा प्रभु महाराज जी आपका असली रूप दिखाई देना। ऐसा कहकर राम जी चले गए। अब माँ सीता ने कहा पंडित जी महाराज भोजन पाओ ना। अगस्त मुनि ने कहा मैया ये छोटी सी कटोरी है इसमें खीर है इस खीर को आंख में डालूं कि कान में डालूं कि नाक में डालूं कि मुख में डालूं। अरे तो और ले आओ। माँ सीता ने कहा बहुत बढ़िया आज मुझे बहुत आनंद आया आज ऐसा ब्राह्मण आया जो भर पेट कर भोजन करेगा। तुरंत माँ सीता गई अंदर रसोई के अंदर पूड़ी बनाने लगी खीर और बनाई लाकर जब अगस्त मुनि की थाली में परोसे अगस्त मुनि आराम से खीर पूड़ी सब्जी सबको मिलावे पा रहे हैं। सुबह से शाम हो गई माँ सीता आई पास में महाराज जी शाम हो गई है पानी पी लीजिए क्योंकि शास्त्र कहता है आधा भोजन हो जावे ना तो बीच में पानी पीना चाहिए। अगस्त मुनि ने कहा माता जी आधा भोजन हो जाएगा तब पानी पी लेंगे अभी तो पूरी लाओ।
माँ सीता ने गणेश जी का ध्यान किया, गणपति का, गणपति जी पधारे हैं, हाथ में जेरो लेन, कांधा पे लाल अंगोचो ना, हलो भाई साहब, अब पूड़ी बनाने लगे गणेश जी, रिद्धि सिद्धि का ध्यान किया, वो पूड़ी बट रही है, पूड़ी बना रही है, नवनिधि का ध्यान किया, सब पूड़ी बेल रहे हैं, गणेश जी पूड़ी निकाले और एक बर्तन में डाले और माँ सीता वो बर्तन उठावे और अगस्त मुनि की थाली में जा पुरुषे, आराम से भोजन पा रहे हैं अगस्त मुनि, एक दिन दो दिन तीन दिन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह दिन हो गए, रात दिन भोजन चल रहा है, डब्बी कौन, सोलहवें दिन माँ सीता आई और कहने लगी वापिस, सोलह दिन बाद में वापिस कह रही है, महाराज जी आधा भोजन आ जावे तो हो जावे तो पानी पी लेना चाहिए। अगस्त मुनि ने कहा माता जी आधा भोजन हो जाएगा तो पानी पी लूंगा, आप तो भोजन लाओ, आप तो भोजन लाओ। अब माँ सीता भोजन परोसना तो परोसने का काम तो छोड़ा और राम जी के पास में गई। सत्रहवें दिन सुबह राम जी से जाकर बोली, स्वामी श्रद्धा की तो टांग ही तोड़ दी तुमने, मेरे मन में श्रद्धा थी कि किसी ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा, इसलिए हमेशा एक ब्राह्मण को भोजन कराती थी, लेकिन आपने तो ऐसे ब्राह्मण को बुला लिया जो सत्रहवां दिन चल रहा है और अभी आधा ही नहीं हुआ भोजन, बीच में पानी पी भी नहीं रहे हैं, बिना बोले भोजन कर रहे हैं आराम से। राम जी ने कहा ठीक है कल आता हूँ मैं। अठारहवें दिन राम जी जब पधारे जहाँ अगस्त मुनि भोजन कर रहे थे, वहां जैसे ही राम जी आवे आए अगस्त मुनि टेढ़ी नजर से राम जी की तरफ देखा, राम जी ने कहा प्रभु अब रहने दीजिए, आपकी माता जी बड़ी परेशान हो गई है, आज अठारह दिन हो गए रात दिन, आप रहने दीजिए। अगस्त मुनि ने कहा ठीक है, राम जी कहकर चले गए। अगस्त मुनि ने कहा माता जी अब पानी लाओ, अब पानी लाओ, अब आधा भोजन हो गया, अब पानी पीवेंगे। माँ सीता ने कहा महाराज जी आप पधारो, अब पानी कोई एक आध मटकी से तो काम चलेगा ही नहीं तुम्हारे, पानी भी खूब सारा चाहिए, अब हम कहाँ से पानी लावे, आप पधारो, हो गया भोजन। अगस्त मुनि राम जी के पास में गए, माता जी पानी नहीं पिला रही है। राम जी ने कहा प्रभु आप तो एक युग में समाधि लगाते हो, दूसरे युग में वापिस आपकी समाधि से उठते हो आप, ऐसा कीजिए एक समाधि लगा लीजिए, आगे द्वापर आ रहा है, द्वापर युग में जब मैं गोवर्धन को उठाऊंगा इंद्र नाराज होगा ना तो खूब पानी बरसावेगा और वो जो पानी बरसेगा ना वो तुम्हें पीना है, वही पीना पानी हो पधारो आप। अब वही अगस्त मुनि सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित राजन, वही अगस्त मुनि आज यहाँ गोवर्धन भगवान के यहाँ जितना पानी बरस रहा है ना सबको पी रहे हैं। एक तरफ चक्र सुदर्शन चक्र पानी को सुखा रहा है, सात दिन सात रात तक सात कोस लंबे चौड़े गोवर्धन भगवान को श्री कृष्ण भगवान अपनी कन्नी अंगुली पर उठा रखे थे सात दिन तक। जब बारिश रुक गई गोवर्धन जी को नीचे स्थापित किया, सब ब्रजवासी बाहर निकल गए, गोवर्धन जी को नीचे धरा और बाहर आए तो इंद्र भगवान से माफी मांगने के लिए आ रहे हैं। जैसे ब्रज की भूमि प्रारंभ होती है ना वहीं से भगवान इंद्र रथ से अपने ऐरावत हाथी से नीचे कूदे और ब्रज भूमि को प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास में माफी मांगने के लिए आए हैं। माफी मांगी, क्षमा याचना मांगी, भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को क्षमा किया, इंद्र वापिस ब्रज से वहां से चले गए। और ब्रज की महिमा ऐसी है जी, भगवान
से सभी ब्रजवासी या कोई जो मनुष्य ब्रज में जन्म ले लेवे या कोई दर्शन करना चले जावे ना तो वो यही ठाकुर जी से प्रार्थना करता है, हे प्रभु जन्म भी मिले चाहे सुवर की योनि भी मिले ना तो ब्रज में मिले, बंदर की योनि मिले तो ब्रज में मिले, मानव की योनि मिले तो भी ब्रज में मिले। इतना ब्रज बढ़िया है जी, इतनी सुंदर स्थान है ब्रज, वृंदावन गोकुल नंदगांव बरसाना। आज भी वृंदावन के अंदर निधि वन में आज भी भगवान श्री कृष्ण रास रसाने आते हैं, आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरण दबाते हैं सेवा कुंज में, इसीलिए उस कुंज का नाम है सेवा कुंज। आप जाओगे कभी ब्रज में दर्शन करने के लिए, दो तीन चार दिन रहोगे और पांचवें दिन जब आप आओगे ना तो आपके आने का मन ही नहीं करेगा, आपका आने का मन ही नहीं करेगा, ऐसी ब्रज की महिमा है जी। जन्म जन्मांतरों के भाग्य उदय होते हैं ना उन्हें ही ब्रज का वास मिलता है जी। प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। राधे खा लो जमुना।
कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह है जी। और विवाह भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह कल है कथा में। कथा में वो हाँ, इसलिए अब विवाह में हथलेवे में क्या क्या चाहिए वो सब आपको पता ही है और अब तो मुझे भी पता है। बावड़ी पे पहले कथा थी, उस समय विवाह नहीं हो रखा था ना माता जी, उस समय कहा था मुझे पता नहीं है विवाह में क्या क्या चाहिए, लेकिन अब पता है। सो हथलेवे में क्या क्या चाहिए आपकी इच्छा अनुसार कल ले पधारना और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। एक और बात बेटे, अब कल क्या कि भगवान का विवाह है कथा में तो नृत्य तो सबको करना है। अरे आपके बेटे या बेटी का विवाह हो गए तो सब नाचो कि ना नाचो, नहीं नाचो? हाँ हाँ नाचो। तो अब जो नृत्य कर रहे थे ना, 5 दिन हो गए सब नृत्य कर रहे थे, सब बैठे रहे, किसी को नहीं उठना हो। और जो नई नृत्य कर रहे थे, जो नई नाच रहे थे ना, वो अब नाच ले वे इस भजन पर। 3 मिनट का होगा भजन, वो नाच ले वे पीछे वाले। हाँ
ठीक है माता जी, कथा में नाच लोगे ना तो 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ेगा। ठीक है, अगर कथा में आए आप ना नाच पा रहे हो ना तो फिर देखो नाचते ही रहोगे जीवन भर। इसलिए भगवान की कथा में नाच लो, भगवान के कीर्तन में नाच लो। इसलिए आगे वाले को नहीं नाचना, पीछे वाले को देखे तो सही कि नाच भी जाने कि ना नाच जाने। हम ही को देखते हैं हमेशा, आज इनको देख लो। 101 रुपए गुप्त सज्जन की तरफ से बागवत जी पर। हाँ सब पीछे वाले, आगे सब बैठे रहे। हेलो जय हेलो गढ़बोर चार बजा नाच के आप सभी गए ही हो, है तो काला लेकिन रूपाला है नहीं नहीं पाछे वटी नाच बजो वाले आना आगे नहीं लाना आना वटी नाच बजो आप तो देख कर के पूरी बढ़िया नाच बजो काड़ो पुजारो नाथ चतुर्भुज भलवाड़ो रे यो कालो कणो रूपालो यो कालो कणो रूपालो बनवाला बालो रे चार पुजारो नाथ चतुर्भुज भलवाड़ो रे मारो चार पुजारो नाथ चतुर्भुज भलवाड़ो रे Yeah.
मोई भरी कमर छोरा पग पायल जा जरिया रे प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। अब आरती होगी, आरती के दर्शन करने के बाद में सभी प्रसाद लेकर अपने यथास्थान पे पधारे और बाहर से जो पधारे हुए हैं वो सब भोजन प्रसाद पाकर ही अपने अपने यथास्थान पे पधारे और कल सवा दस बजे, हाँ 10 बजे ही पधारे, यहाँ आगे पधार जावे। गौरम करुणा अवतार संसार सारम भुज केन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयान्विन्द भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि अधर धर मुरली बजैया की आरती
101 रुपए गुप्त सज्जन की तरफ से वापिस 101 रुपए गुप्त सज्जन की तरफ से भागो जी वैसे अपने बेट सभी बोली रे रसिया बोली नहीं बनी चोरी रे रसिया बोली नहीं बनी चोरी रे I'm not afraid.